आरवी को गिरफ्तार करने घर पहुंची पुलिस। नेहा सिंह ने मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं। आरवी और घर वालों के उड़े होश। शुरू हुआ नया तमाशा। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आरवी के घर पर पहुंच गई है पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए। और देखिए कैसे पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जा रही है। घर वाले आरवी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर अपने साथ पुलिस थाने ले जा रहे हैं। इसी बीच हो रहा है ये सारा तमाशा। ये तो आरवी को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। उसको तो बेचारे को बेड से उठा के पुलिस नीचे लेके आई और पूरी फैमिली वहाँ पे है और उसको बोल रहे हैं चलो अब थाने चलो तुम। बट ऑनेस्टली उसको नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी नशे में रहा शायद वो, और इसलिए नहीं क्योंकि उसने कुछ पी थी, ज़्यादा ड्रिंक किया था, इसीलिए क्योंकि किसी ने तो कुछ उसकी ड्रिंक में मिलाया हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ उसके साथ। सो ही इज़ अ विक्टिम। उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पुलिस क्यों आई है घर पे, और नीचे आके भी वो ये क्वेश्चन करता है कि पुलिस क्यों आई है, मुझे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। और बाद में पता चलता है कि वो उसको मोलेस्टेशन के केस में जो है फंसाया हुआ है, तो इसकी वजह से पूरी फैमिली पैनिक हो जाती है, परेशान हो जाती है। और यस, सिचुएशन ख़राब है, सिचुएशन टेंस्ड है, क्योंकि पहले भी इस फैमिली के साथ ऐसा हो चुका है, जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था आरवी की लाइफ में, फिर से वैसा ही हो रहा है, फिर से उसको पुलिस ले जा रही है, तो इट्स अ बिग थिंग। असल में जिस पार्टी में आरवी गया था, वहाँ उसके ड्रिंक में किसी ने नशीली दवाई मिला दी थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं कि क्या कुछ हो गया है। इस पर से नेहा सिंह ने लगाया है आरवी पर मोलेस्टेशन का इल्जाम, तभी तो पुलिस पहुँची है आरवी को अरेस्ट करने के लिए। आरवी तो अब भी अनजान है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। हम इंक्वायरी में मिस्टर आरवी को अरेस्ट करने आए हैं। क्योंकि इन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आपसे कह रहा हूं, हमें अपने आरवी के ऊपर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए, मिस्टर आरवी आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकती है। आप विश्वास हमें नहीं रोक सकते, वरना हमें आपके ऊपर भी कार्यवाही करनी होगी। लेकिन ये मेरा कसूर है। इन सब के बीच आरवी की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा इतने बड़े इल्जाम में जो फंस गया है, तो क्या अब वाकई आरवी पर ये इल्जाम साबित होगा, या फिर एक बार पूर्वी आएगी अपने आरवी को बचाने के लिए। ओह माय गॉड, और एज यूजुअल जब भी कोई बहुत ड्रामा खतरनाक से ऐसा होता है तो हमारी हरलीन जी बेहोश हो जाती है मेरे कंधे पे, और आज फिर ऐसा ही कुछ हुआ है। That's the best part. ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पूर्वी खुद डाउट में है कि क्या आरवी ने ऐसा किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हुआ है ना आरवी के साथ, पूरी साजिश के तौर पे हुआ है, और हर जगह हर स्टेप पे पूरा ध्यान रखा गया ये दिखाने के लिए कि यही कल्प्रिट है, इसी ने कुछ किया है। तो आई थिंक आरवी पे विश्वास करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर उस पर कोई विश्वास करता है, अगर पूर्वी उस पर विश्वास करती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और उसकी वजह से पूर्वी जो है एक बहुत
मतलब महान लड़की होगी अगर उस पर विश्वास करेगी। यानी कि फिर एक बार आरवी और पूर्वी के बीच आ गई है गलत फहमियाँ। अब देखना होगा कि कैसे आरवी खुद को बेगुनाह साबित करता है। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, और हम नहीं चाहते कि आप मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।